चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ क्वायल हैज 1000 टर्न्स और एरिया है कितना 10 to 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्लेन ऑफ द क्वायल इज प्लेस एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड 2 × 10⁻⁵ पावर मीटर पर मीटर स्क्वायर। द क्वायल इज रोटेटेड थ्रू 180 इन 0.2 सेकंड द एवरेज ईएमएफ। ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, करेक्ट। अब एन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी 1000, एरिया कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट कर लें तो मीटर स्क्वायर में, तो 5 × 10⁻²⁺ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। एरिया पता हो गया हमको एसआई यूनिट में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है 2 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट में है, ठीक है। अच्छा, अब क्वायल जो प्लेस था राइट एंगल में था, लेकिन उसका जो क्वायल प्लेस है, क्वायल का एरिया वेक्टर प्लेस नहीं है राइट एंगल में, ध्यान रखना, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है, और अगर मान लेते हैं ये सर्कुलर क्वायल है या रेक्टेंगुलर क्वायल है, तो वो प्लेस है परपेंडिकुलर, यानी कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। ये क्वायल है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री इनिशियली, या थीटा 1, और बाद में क्या हुआ 180 डिग्री घुमाया गया, 180 डिग्री घुमाया गया, जैसे पी क्यू आर एस था। अब ये जब अगर घुमाया गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वही है, ये क्वाइल पूरा रोटेट करा के घुमा के ऐसे कर दिया गया, कुछ इस तरह का कर दिया गया, आर नीचे जो था वो आर ऊपर चला गया, एस इधर आ गया, पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, तो एरिया वेक्टर अब इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है, और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, करेक्ट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू अगर मैं इसको निकालूं, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन की वैल्यू 1000, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दे रहा हूं, माइनस एन बी इंटू ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई डी टी, ये लिखेंगे। और डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी टी इज इक्वल टू टी 2 माइनस टी 1, टी 2 की वैल्यू 0.2 सेकेंड माइनस 0, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 सेकेंड हो जाएगी डी टी की वैल्यू। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1000 इंटू बी की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ इंटू एरिया की वैल्यू, एरिया वेक्टर 5 × 10⁻², इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.2। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू प्लस 1 होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो यहां पर जब ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, तो क्या होगा, माइनस ये कितना होगा 10⁻³, करेक्ट है, इंटू 2 × 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 5 × 10⁻², और ये कितना होगा माइनस वन डिवाइडेड बाई 0.2। माइनस वन क्या होगा, माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब ये भी 2 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 × 5 × 10⁻⁶ को प्रॉपरली यहाँ लिख दे रहा, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.2, करेक्ट है, ये मैप की वैल्यू। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको 0.2 को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है, क्या लिख दें, 2 × 2 × 5 × 10⁻⁶, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस फोर डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻¹, माइ 0.2 को 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10⁻¹ माइनस 4, ये ऊपर जाएगा प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आई 10⁻²⁺ वोल्ट आई। अब हमको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मिली वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो अगर ईएमएफ की वैल्यू है 10⁻²⁺ वोल्ट, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 10⁻²⁰ × 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है
10^3 मिली वोल्ट। तो 1 वोल्ट की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10^3 मिली वोल्ट, तो ये कितना आएगा बताओ, ईएमएफ की वैल्यू 10 मिली वोल्ट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, ये वाला बी वाला ऑप्शन 10 वोल्ट मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।